हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ की इंग्लिश वर्कशीट नंबर थर्टी एट करेंगे डेट है इसकी फोर अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी वन और इसको स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स व्हाट अ ब्यूटिफुल डे इट इज शुभ प्रभात प्यारे बच्चों कितना सुहावना और सुंदर दिन है आज आई होप यू आर डूइंग वेल आशा करते हैं आप अच्छा कर रहे होंगे गिवन बिलो इज अ टेबल दैट डिवाइड्स अवर डे इन मॉर्निंग आफ्टरनून एंड नाइट we do a number of activities throughout the day let us write about various activities that we do during the morning in the afternoon and at night one has been done for you तो so, यहाँ पर नीचे आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें तीन पार्ट हैं एक सुबह का एक दिन का और एक रात का अब हम हर बार डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज करते हैं पूरे दिन में तो हमें बताना है कि हम सुबह क्या करते हैं आफ्टरनून को क्या करते हैं और नाइट को क्या करते हैं ठीक है तो जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे मॉर्निंग में आई अप इन द मॉर्निंग सुबह सुबह मैं उठता हूँ उसके बाद आफ्टरनून में आई प्ले इंडोर गेम्स इन द आफ्टरनून आफ्टरनून में हम इंडोर गेम्स खेलते हैं यानी घर पे बैठने वाले घर में ही गेम खेल लेते हैं नाइट को हम क्या करते हैं आई गो टू बैट एट नाइट मैं रात को सोने चले जाती हूँ नाइट में या चला जाता हूँ है ना इस तरीके से एग्जाम्पल दे रखा है तो चलिए लिखते हैं क्या क्या लिखेंगे हम लोग सुबह आई डू एक्सरसाइज सुबह सुबह हम एक्सरसाइज करते हैं सुबह हम बात भी करते हैं आई डू बात हम नहाते हैं आई ईट माई ब्रेकफास्ट सुबह सुबह नाश्ता भी होता है हमारा आफ्टरनून में क्या होता है आई डू माई होमवर्क होमवर्क करते हैं हम आफ्टरनून में कई बच्चे होंगे सुबह ही कर लेते होंगे तो आप सुबह में भी लिख सकते हैं उसके बाद आई हेल्प टू माई मदर मैं अपनी मम्मी की हेल्प करता हूँ या करती हूँ आई ईट माई लंच मैं अपना लंच जो है अपना लंच करता हूँ खाता हूँ खाना ठीक है उसके बाद नाइट को आई वॉक टू द रूफ यानी छत पे आप घूमते होंगे उसके बाद आई ब्रश माई टीथ अपने दांतों को साफ आई ईट माई डिनर उसके बाद हम डिनर कर लेते हैं रात का खाना खा लेते हैं तो जो भी आप करते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं मॉर्निंग में आफ्टरनून में और नाइट में नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक टाइम यहाँ पर आपको बातचीत करनी है डियर चिल्ड्रन लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली वार डू यू थिंक द मैन इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट इमेज एंड क्रिएट द डायलॉग्स हेल्प ऑफ योर एल्डर्स टू तो यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है यहाँ पर आपको बात बतानी है जैसे यहाँ पर ये दोनों हैं अब ये दोनों क्या बोल रहे होंगे क्या कर रहे होंगे आपको कल्पना करके लिखना है कि ये दोनों क्या बोल रहे होंगे तो देखिए मैंने क्या कल्पना कर लिखा है देखिये यहाँ मैंने ना वेट लिखा है डब्ल्यू ए आई टी वेट ठीक है तो ये जो है वो बोल रहा होगा हे वेट दिस इज माई हॉर्स ये बोल रहा होगा इससे रुको ये तो मेरा घोड़ा है तो ये बोल रहा है ओ सॉरी माई हॉर्स ऑल्सो लुक्स लाइक योर्स यानी सॉरी तुम्हारा घोड़े जैसा ही मेरा घोड़ा दिखता है तो इस तरीके से आप कल्पना कर कर लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा ठीक है आप कुछ और लिख सकते हैं जो आपके मन में आए तो वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है कैसी लगी जरूर बताइए अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू